हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम कॉम कोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एम कॉम कोर्स किनको करना चाहिए, एम कॉम कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगा, एम कॉम की फ़ीस कितनी होगी, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, सैलरी क्या मिलेगी, जॉब्स क्या प्रोफाइल होगा। सो सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड देखिए ध्यान से। आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कमेंट्स, कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में वीडियो के एंड में पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम कॉम का। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिए दोस्तों, जिससे कि जो भी मेरे आने वाली वीडियो रहेंगे लेटेस्ट आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि दोस्तों एम कॉम कोर्स क्या होता है। एम कॉम कोर्स बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, मास्टर ऑफ कॉमर्स जिसको बोलते हैं, एम कॉम स्टैंड फॉर मास्टर ऑफ कॉमर्स होता है, ये होता है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए एम कॉम किनको करना चाहिए। देखिए जिन किसी को अपना करियर बनाना है बैंकिंग सेक्टर में, किसी को टीचर बनना है टीचिंग लाइन में जाना है, किसी को रिसर्च वर्क में अपना वर्क करना है, किसी को पीएचडी करना है मतलब कि डॉक्टर, जो जब पीएचडी आप करते हो तो डॉक्टर आपके नाम के आगे लगता है, तो ये सब लोगों के लिए एम कॉम कोर्स बेटर है। आप ये कोर्स को ऑप्ट या सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात कर सबसे पहले अब बात करते हैं कि जैसे कि मैंने बोला कि एम कॉम क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, कोर्स लेवल क्या इसका होता है, पोस्ट ग्रेजुएट। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए उसको क्या बोलते हैं, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जब आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, जब आप आगे लेवल में जाते हो तो उसको बोलते हैं पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, क्लियर हो रहा है दोस्तों। सेकेंड पे आता है आपका ड्यूरेशन। ये एम कॉम कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी दोस्तों, 2 साल का कोर्स होता है, डिवाइडेड इंटू 4 सेमेस्टर मतलब कि 2 साल 4 सेमेस्टर में डिवाइड है, मतलब 1 साल में 2 एग्ज़ाम रहेंगे, 2 साल में आपके 4 एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाते हैं। मोस्टली कोई कॉलेजेस में 1 साल में एक ही एग्ज़ाम दिया जाता है जिसको हम एनुअल बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पे एलिजिबिलिटी क्या होगी। एम कॉम करना है तो एलिजिबिलिटी किसको मतलब कौन कर सकते हैं, मोस्टली बी कॉम वाले ही ज़्यादातर एम कॉम जाते हैं, एम कॉम करते हैं। उसके बाद अदर देन सम यूनिवर्सिटी क्या करती है, कैन टेक इकोनॉमिक्स मतलब कि कोई बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स किया तो वो भी ये एम कॉम कर सकता है, या फिर मैनेजमेंट कोई मैनेजमेंट कोर्स करा है तो ये भी आप कर सकते हो एम कॉम या ग्रेजुएट आल्सो, ठीक है। कोई बैफ करा भी आदमी बैफ करा हुआ स्टूडेंट भी जा सकता है, BBI करा भी जा सकता है, मतलब कि आपको यहाँ पर ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है दोस्तों। एलिजिबिलिटी और क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं क्राइटेरिया पे। क्राइटेरिया मतलब होता है कि आपका कितना परसेंट होना चाहिए, ठीक है। परसेंट की बात करें तो यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं है, 45% to 55% आपका लगता है तो नॉर्मली आपका तो उतना तो आ जाएगा, ठीक है। जो मतलब पढ़ने वाला है तो उनका नहीं, मतलब जो नॉर्मली सोच रहा है तो 45% या 55% भी लगता है, 50% भी और 60% भी, मतलब बेसिकली 45% to 50% मैंने बताया है, और इसके अलावा भी लग सकता है, डिपेंड करता है कॉलेजेस, बड़े बड़े कॉलेजेस पर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। आपका क्लियर हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ नंबर पे आपका हो गया, अब बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या होगा एम कॉम करने का। एक तो सिंपल से लॉजिक है, मेरिट बेस पे होता है, सेकेंड आपका आता है एंट्रेंस एग्जाम पे होता है, ठीक है। मेरिट बेस मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका मार्क्स 45% 55% आया, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा और आपका लिस्ट में नाम आ गया तो उस पर एडमिशन हो गया। सेकेंड चीज़ ये आता है, कोई कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है कैंडिडेट या स्टूडेंट का, उसके बेस पे होता है एडमिशन, ठीक है। अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना एग्ज़ाम होता है, तो ये बताना मुश्किल है कि एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, कौन सा एग्ज़ाम होगा, तो ये बताना डिफ़िकल्ट होता है। तो आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो वो स्टेट में आप अपने कॉलेज का नाम डालो और वो कॉलेज में आके आप विजिट करके पता कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ नंबर, अपना एडमिशन प्रोसेस हो गया। अब आप बात करते हैं हमें दोस्तों कि हमारा एडमिशन होने प्रोसेस होने के बाद फ़ीस कितना लगेगा एम कॉम करने का। देखिए फ़ीस की बात करेंगे तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, मतलब कॉलेज इंस्टीट्यूट कौन सी होती है, आपका यूनिवर्सिटी कौन सा, उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली इसकी जो कोर्स की फ़ीस होगी 10,000 से लेकर 1.5 लाख तक, मतलब मैं मिनिमम और मैक्सिमम बताया हूँ, इसके अंडर भी हो सकती है और इसके एक्सिट तो नहीं होगी। बेसिकली जो प्राइवेट होते हैं 5 या 6 हज़ार में भी हो जाते हैं, 10,000 भी हो जाता है, 20,000 भी हो जाता है, कोई अच्छे अच्छे कॉलेज होकर 50,000-60,000 रुपये होता है, मतलब मैं बेसिकली बताया 10,000 टू
1.5 लाख रुपीज़ आपका लगने वाला है कोर्स कर रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, आपका फीस क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि एम कॉम करने के बाद एडवांस कोर्स कौन कौन से होने वाले दोस्तों। कि एडवांस कोर्स करना है तो आपको पीएचडी कर सकते हो या एमफिल कर सकते हो, या फिर आप दोस्तों मेरे हिसाब से आपको टीचर बनना है, मतलब कि प्रोफेसर बनना है कॉलेजेस का, तो आप क्या करो एम कॉम करने के बाद आप एमए करो, एमए करने के बाद आप नेट का एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आपका रैंकिंग किस पर डिपेंड करता है, रैंकिंग अच्छा है तो आपको प्रोफेसर की नौकरी मिल सकती है। प्रोफेसर मतलब आप 13, 14, 15 के ऊपर वाले को पढ़ा सकते हो। ठीक है, हो रहा, क्लियर हो गया दोस्तों। एडवांस कोर्स हम डिस्कस कर लिए, आप 8 नंबर पे हम आप क्या बात करेंगे दोस्तों, हम सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ना पड़ेगा एम कॉम में। ठीक है, बेसिकली मैंने थोड़े बहुत सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे लिखा है, पूरा मैंने सब्जेक्ट नहीं बताया, तो यहाँ पे आपको हैप्पी न्यू ईयर है दोस्तों, थोड़ा बहुत मैं सब्जेक्ट से आपको आइडिया मिलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि रिसर्च मेथोलॉजी, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कॉरपोरेट गवर्नेंस, एलिमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स, मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। सो दोस्तों आपको यहाँ पे आई थिंक सो 12 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है। यहाँ पे देखिए कॉलेज में क्या डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्टिव कोर्स ले रहे हैं, मतलब इलेक्टिव कोर्स मतलब होता है कि कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से कॉलेजेस ले रही है, ऑप्शनल कौन सा है। तो बेसिकली मैंने 12 ही सब्जेक्ट बताया है, इसके अलावा भी आपको बहुत से सब्जेक्ट देखने मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्लियर हो गया 8 का। अब बात करते कि दोस्तों एम कॉम आपको करना है, मतलब कि एम कॉम करना है तो एम कॉम में आपको बहुत सारी फील्ड का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, तो मैं फील्ड के थोड़े बहुत नाम बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम कॉम में आप अकाउंटिंग, एम कॉम अकाउंटिंग कर सकते हो, फाइनेंस कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हो डेट इज़ HRM, टैक्सेशन कर सकते हो, बैंकिंग कर सकते हो दोस्तों, ई कॉमर्स में भी आप कर सकते हो अपना एम कॉम, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और कॉरपोरेट लॉ। मतलब कि दोस्तों कोई फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि कोई अपना बैफ किया है, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया है, तो आप एम कॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कर लीजिए। जिन किसी को अकाउंट पसंद है तो एम कॉम इन अकाउंटिंग करो, जिसको मार्केटिंग में आना तो एम कॉम इन मार्केटिंग करो, जिसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा है तो उसमें जाइए, जिसको टैक्सेशन करना है तो उसमें जाइए। मतलब आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ये बताना मुश्किल है कि कौन सा बेटर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आपको क्या लगता है आप में किस में अच्छा स्पेशलाइजेशन है, मतलब आपको क्या पसंद है वो आप करके चूज़ कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ तक। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जॉब्स क्या लगेगी एम कॉम करने के बाद। मुद्दा ये भी आ रहा है कि हमने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया है, आप थोड़े बहुत जॉब्स क्या होगा। देखिए जॉब्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके सबसे पहले अकाउंट मैनेजर्स, अकाउंटेंट, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, लेक्चर या प्रोफेसर, जैसे कि मैं आपको बताया लेक्चर प्रोफेसर बनना, मतलब कि देखिए आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए हो तो आपको डिग्री में पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, आई थिंक सो आपको स्कूल लेवल में ही पढ़ाने मिलेगा, क्योंकि एम कॉम पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको प्रोफेसर बन नहीं सकते हो। ठीक है, इससे बनने के लिए मैं आपको प्रोसीजर बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, सेल्स मैनेजर, सॉरी HR मैनेजर, उसके बाद सेल्स मैनेजर, कैशियर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, कॉर्पोरेट एनालिस्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको जॉब्स क्या क्या होने वाले ये मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी कितनी मिलने वाली है एम कॉम करने के बाद। देखिए सैलरी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितना नॉलेज है, कितना स्किल है, कितना कम्युनिकेशन स्किल है आपके पास अच्छी है, या फिर आपको कितना आपने आपको आप इन्हांस कर रहे हो, एडवांस की हो। एक दो टाइप का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, सैलरी किस बेस पर। तो देखिए मैं अपना बता रहा हूँ कि सैलरी जब आप इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने टेक्स्ट बुक्स में आप क्या पढ़े हो, GST मतलब क्या, ऐसा कुछ पूछते नहीं। ठीक है, मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि बुक का रटा रटा है आपको कुछ नहीं पूछेंगे, आपने कितना गेन किया, कितना नॉलेज गेन किया, आपको कितना एक्स्ट्रा नॉलेज आती है उस पर डिपेंड करता है आपकी सैलरी।
आप कैसे इन्फ्लुएंस करते हो दूसरे को, मतलब आप मार्केटिंग में जा रहे हो तो मार्केटिंग के रिलेटेड आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। बुक का रटा हुआ चीज़ यहाँ पे इंटरव्यू में काम नहीं आता और सैलरी भी इस पर डिपेंड नहीं करती दोस्तों, ठीक है। जब हम सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या होता है दोस्तों, पूरा हर चीज़ देख के सैलरी डिसाइड होती है दोस्तों, ठीक है। पूरा जो लगभग सैलरी की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे मिनिमम आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो आपको यहाँ पे 30,000 के ऊपर ही सैलरी मिलेगी। बेसिकली 25,000 से ही मिले आपको बढ़ेगा, 25 से लास्ट टू लास्ट आपका पर एनम की बात करेंगे तो आपका 5 to 6 lakh का पैकेजेस बन जाता है और पर मंथ आपका 25 to 30 बन जाएगा। तो आप अपने आप को क्या करो, एम कॉम करने के साथ साथ आप कुछ अच्छा खासा कोर्स भी करिए, एनहांस करिए अपने नॉलेज को, या आप मेरे हिसाब से आपको पीएचडी करना है तो पीएचडी में जाइए, एमफिल करना है तो एमफिल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो कुछ भी आपको कुछ कमेंट्स है दोस्तों, तो वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में आप जैसे कि कमेंट दीजिए, डेफिनेटली आई विल गिव अ रिप्लाई ऑन दिस कमेंट क्वेश्चंस। सो आप, मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ, तो मुझे DM कर सकते हो दोनों पे, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया तो अभी तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।